हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टमाटर की एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी और कभी भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इस रेसिपी का नाम है स्टफ्ड चीज़ टमेटोज। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होगी, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर, तो आप देख सकते हैं इस तरह। तो अब इसके आगे के जो हिस्से हैं इसको मैं इस तरह काट कर हटा दूँगा। तो दोस्तों, इन सभी टमाटर के जो आगे के हिस्से हैं इन सभी को काट कर मैं हटा दूंगा, सभी को। तो इनको रेडी कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, इन सभी टमाटरों के मैंने आगे के हिस्से हटा दिए हैं और इनको मैं वापस प्लेट में रख दूंगा। तो दोस्तों, हम एक टमाटर उठाएंगे इस तरह और यहाँ पर मैंने लिया है स्कूपर। तो इस स्कूपर की सहायता से हम इसका सारा अंदर का जो पल्प है वो निकाल लेंगे और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी बाउल में। तो इसी तरह हमें इसका सारा पल्प निकाल देना है, इसको हमें खोखला कर देना है अंदर से, यानी खाली कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमें पल्प निकाल लेना है टमाटर से। तो सभी टमाटरों का इसी तरह मैं पल्प निकाल कर तैयार कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास स्कूपर ना हो तो आप चम्मच से भी इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी टमाटरों को मैंने खाली करके रेडी कर लिया है। अब इनका जो पल्प निकाला था हमने, इसमें जो मोटा मोटा पार्ट है उसको हमें हटा देना है और इसका जो पल्प है उसको हमें रख लेना है बचाकर, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने, गैस पर चढ़ा दिया। इसमें डालूंगा मैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, इसमें डालूंगा मैं 1/4 कप बारीक कटे हुए अनियन यानी प्याज। तो गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। तो इस प्याज को हमें हल्का सा कुक कर लेना है लगभग 1 मिनट के लिए। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ आलू। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने धो लिया था, पील कर लिया था और उसके बाद धोकर वापस काट लिया था। तो आलू को मैं अच्छे से कुक कर लेना है लगभग 2-2.5 मिनट के लिए, जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो इसको हमें लगातार चलाते रहना है। तो धीरे धीरे ये आलू है कुक हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आलू में एक हल्का सा अच्छा सा कलर आ चुका है। तो आलू हमारे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा हम टमाटर का पल्प जो हमने रेडी किया था, यानी जो बचा हुआ जो हमने पल्प निकाला था। तो इसको मैंने पैन में डाल दिया है। तो इसको हमें अच्छे से कुक कर लेना है। तो अब इसके अंदर डालूंगा मैं 2 टेबल स्पून पिज्जा सॉस, जिसे सेजवान सॉस भी बोलते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ टोमेटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो दोस्तों, इन सभी को मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब इसके अंदर डालूंगा मैं थोड़ा सा नमक। तो स्वाद के अनुसार आप कम नमक जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से कर दूंगा मिक्स। तो दोस्तों, अब इसके अंदर थोड़ी सी मिठास के लिए मैं डालूंगा 1/2 टीस्पून चीनी और इसको मैं अच्छे से कर दूंगा मिक्स, यानी इसे हल्का सा चला लूंगा अच्छे से। तो दोस्तों, हमारा स्टफ टमेटोज की जो फीलिंग है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो चलिए अब हम टमेटोज को रेडी करते हैं। तो दोस्तों, जो हमने टमाटर को जो इनका हमने पल्प निकाला था इसको हम रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लेंगे बाहर की तरफ, आप देख सकते हैं इस तरह। तो सभी टमेटोज को मैं इस तरह ग्रीस कर लूँगा। तो टमाटर हमारे रेडी हो चुके हैं ग्रीस होकर। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे जो हमारी फिलिंग हमने बनाई थी वो हल्की सी ठंडी हो चुकी है। तो फिलिंग को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं आपस में। तो अब एक चम्मच की सहायता से हम फिलिंग को इस तरह उठाएंगे, उनको हम टमाटर के अंदर भर देंगे और इनको हमें स्पून से अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि टमाटर की फिलिंग अंदर से अच्छे से सेट हो जाए। तो सभी टमाटर को हमें इसी तरह भर देना है। तो दोस्तों, सभी टमाटर को मैंने इसी तरह भर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है चॉप किया हुआ पिज्जा चीज़, ये ऑलरेडी चॉप किया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने पिज्जा चीज़ लिया है। तो इस पिज्जा चीज़ को भी मैं ऊपर से इस तरह भर दूंगा, यानी टमाटर को भर दूंगा पिज्जा चीज़ से जितनी जगह इसमें बची है।
पास्ता टमाटर को मैंने पिज्जा चीज़ से भर दिया। आप देख सकते हैं चीज़ को हमें बाहर तक भरना है, एकदम फुल भरना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैं भर रहा हूँ और इसको हमें हल्का सा प्रेस करना है, बस ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब इसको हम बेक करते हैं। तो इसको बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर शेप का यहाँ पर केक टिन लिया है, तो यहाँ ग्लास का है। तो इसको हम ओवन में बेक करेंगे। तो इसको बेक करने के लिए हम ओवन में रख देंगे और इसको हम बेक करेंगे 220 डिग्री पर लगभग 20 मिनट के लिए। तो अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप इसे किसी पैन में भी बेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का। तो इसमें आप टमाटर को रख दें और इसे कवर करके लगभग 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक कर लें। तो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं हमारे टमाटर ने, वो अच्छे से बेक हो चुके हैं और चीज़ पर आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ चुका है, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है और इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। दोस्तों बहुत ही टेस्टी मेरी रेसिपी जो है बनकर तैयार हुई है, स्टफ चीज़ टमाटो की। इसको मैं गार्निश कर दूँगा थोड़े से हरे धनिया के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।